कोरोना से लड़ाई में अब अध्यापक भी कोरोना योद्धा बन सामने आएंगे। हरियाणा सरकार ने करनाल जिले के गांव में निगदू के सरकारी स्कूल और सोनीपत के एक सरकारी स्कूल में शैक्षणिक स्तर शुरू करने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत गांव निगदू के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के 95% से ज्यादा परिजनों ने स्कूल खोलने के लिए बकायदा लिख कर दिया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने यह स्कूल शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक स्टाफ और पढ़ने वाले बच्चों की वीडियोग्राफी बनाई जाएगी और उसे पूरे हरियाणा में भेजा जाएगा, ताकि भविष्य में प्रदेश के अन्य हजारों स्कूलों को भी खोला जा सके। निगदू गांव का यह स्कूल आज सुर्खियों में है। स्कूल के प्रिंसिपल धर्मपाल का कहना है कि गांव में शिक्षा का माहौल और परिजनों की बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता ने कुछ अलग सा कर दिखाया है। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद, ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियाँ बढ़ाए। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। कल ही एक शिक्षा विभाग से एक लेटर प्राप्त हुआ है कि हरियाणा के अंदर केवल 2 स्कूल चुने गए हैं, एक सोनीपत का और एक हमारा विद्यालय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निगदू। मुझे बहुत खुशी हुई। इसका श्रेय अगर मैं चाहूं तो पेरेंट्स को देना चाहूंगा, क्योंकि यहां के जो पेरेंट्स हैं इस गांव के निगदू के, वो शिक्षा के प्रति काफ़ी जागरूक लोग हैं। विद्यालय का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। अक्सर पेरेंट्स की एक हमारे से बातचीत होती थी, हम हर रोज हर टीचर और मैं स्वयं 20 बच्चों से या उनके पेरेंट्स से हम बात करते हैं, तो उनका एक ही कहना था कि क्या कोई सरकार ऐसा सर्वे करवाएगी कि जिसकी पेरेंट्स की राय ली जाएगी। तो एक विभाग से ऐसा सर्वे आया जिसमें पेरेंट्स की राय ली गई, तो सभी पेरेंट्स आगे बढ़कर आए और सभी ने कहा कि विद्यालय खुलना चाहिए, हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने या उनकी इस पहल पर आज पूरे भारत के अंदर यहाँ से एक शुरुआत हो रही है। कितने परसेंट पेरेंट्स ने आपको एग्री किया इसके लिए? इसके लिए 98% पेरेंट्स ने एग्री किया है। एक दो पेरेंट्स इसलिए रह गए क्योंकि गांव में कई बार लिंक नहीं, उसकी समस्या रहती है नेट की, अदरवाइज मैं तो 100% मान के चलता हूँ। डर नहीं था या पढ़ाई जरूर थी? क्या पढ़ाई की महत्ता जानते हैं गांव के लोग? पेरेंट्स यहां पर पढ़ाई की महत्ता जानते हैं, क्योंकि विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और ऑनलाइन जो टीचिंग हम दे रहे हैं उसके अंदर भी यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो काफी जागरूक रहे और उन्होंने अपना जो फीडबैक हमारा जो आता था वो सकारात्मक रहा हमेशा। इस मौके पर परिजनों ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई जल्दी शुरू हो ताकि बच्चे पढ़ सके, लेकिन साथ ही सरकार पर विश्वास जताया कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी सुरक्षा के उपाय करेगी ताकि बच्चे कोरोना से सुरक्षित रह पढ़ सके। और मेरे बच्चों की पढ़ाई नाश हो रही है, दूर दूर मास्क लगा के बैठेंगे, और स्कूल की पढ़ाई बहुत नाश हो रही है। आज 6 महीनों के बच्चों की पढ़ाई नाश खराब जा रही है। हर के नाम स्कूल लगना चाहिए, दूर दूर पढ़ाएगी, सर भी मास्क लगाएंगे, बच्चे भी मास्क लगाएंगे, फोन में नेट नहीं होता कई बार, और बच्चों की आंखें खराब हो जाती है। जल्द से जल्द स्कूल लगाए। मैंने मेरे बच्चे जी स्कूल में पढ़ते हैं जी, और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए जी, भाई स्कूल लगने चाहिए जी। और जी बच्चे भी बहुत तंग है जी, हम भी बहुत तंग हो रहे जी, 6 महीने से बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है जी, और सरकार को भी स्कूल लगाने का जी काम करना चाहिए जी दोबारा से, और बच्चे भी जी मास्क लगा के अलग अलग बैठ के जी पढ़ाई करे जी, और मास्टर जी को भी जी अलग अलग पढ़ा के बच्चों को जी मास्क लगा के पढ़ाना चाहिए जी।